नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। कल दिनांक 11/2/2021 को दोहर के आनंदपुर के पास नहर में युवक छोटू कुशवा के डूबने का मामला सामने आया था। करीब 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नहीं लगा युवक का कोई सुराग। आक्रोशित परिजनों ने लगाया इंद्रगढ़ सेवड़ा रोड ग्राम दोहर पर जाम। प्रशासन द्वारा नहर बंद न करवाने से आक्रोशित ही युवक के परिजन 2 घंटे से लगा है जाम। करीब 1 किलोमीटर लंबी दूर तक लगी वाहनों की कतारें। मौके पर पहुंचा प्रशासन अमला और पुलिस बल। प्रशासन द्वारा नाराज परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकल प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कोई भी गंभीरता से कदम नहीं उठाया जा रहा है। बीते 26 घंटों से युवक का कोई सुराग नहीं है। दतिया से जिला ब्यूरो चीफ संजीव रिछारिया की रिपोर्ट। क्यों लोग हैं मजबूर सड़क पे आने के लिए, आए रोज लग रहे हैं जाम। आम जनता की नहीं ले रहा है कोई सुध। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आम जनता सड़क पे खड़ी हुई है और जो परेशान हो रही है। 100% मिलेगी अगर बच्चों को कुछ होगा तो। पहले उद्देश्य बच्चा का। सिलेंडर वाले गोता बोल का नहीं आ रहा है, सिलेंडर का नहीं ले रहा है। पाँच घंटा लगे, 4 लगे, 3 लगे, मेहरबान। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामनिवास है। इस घटना के बारे में आप थोड़ा हमको बताएं। कल सुबह की बात है, हमारे इंदौर का लड़का था जो है कल परसों शादी में सम्मिलित होने आया था। दोहर में जो शादी हुई थी, शादी थी परसों शादी करके वो सुबह अपने 2 दोस्तों के साथ इस आनंदपुर मणियन में नहाने के लिए आया था। नहाने के दौरान वो तैरना नहीं जानता था, इसलिए वो कूद गया। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई? प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। कल कोई कार्रवाई नहीं और आज हुई है। उनके दतिया द्वारा NDRF की टीम भी आई है, लेकिन वो कुछ पानी में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फिर ढूंढ नहीं पा रहे। कल प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया? बिल्कुल नहीं, कोई भी प्रयास नहीं हुआ। कोई प्रयास नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप क्यों प्रशासन प्रयास कर रहा है? अभी चक्का जाम किया है ना हम लोगों ने, सारे ग्रामीण, पूरे ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। क्या आश्वासन मिला है? 5 घंटे का आश्वासन मिला है कि 5 घंटे में आपकी डेड बॉडी आपको दी जाएगी। यदि नहीं मिलती डेड बॉडी तो फिर से चक्का जाम करेंगे हम लोग।
जी हमने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है और अगर कुछ जो भगवान ना करे बच्चों को कुछ होगा आर्थिक सहायता भी देंगे हर जगह आदमी लगा यहाँ से लेकर हर ये और यहाँ भी हम लोग एक तरफ से देख जिस परिवार की ये घटना उड़ने वाली है वो कल वाली है बाकी बात सिलेंडर भी नहीं लग रहा है सिलेंडर को सब घंटा पर ये कह रहा कल वो टीम आई थी ना वो जो टीम कल आई थी वो कल बोल रहे थे हमारे पास सामान नहीं है हमारे पास कुछ सामान नहीं है वो सिलेंडर भी नहीं है उनके पास वो नीचे तक जा नहीं पाए ढूंढ के कहाँ से दे सकते हैं वो कहीं से ढूंढ नहीं सकते उन्हें वादा कर रहे हैं कि आपके भाई को हम ढूंढ के लाएंगे और जल्दी से जल्दी जितना आपने टाइम दिया है कोशिश करेंगे उस टाइम से पहले ढूंढे बस ठीक है ठीक है आर्थिक सहायता जो होगी वो आपको मिलेगी आरबीसी के जरिए हम आपको आर्थिक सहायता दिलवाएंगे ये आपको वो भी दे रहे हैं और वादा आपसे कर रहे हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम दोबारा हम करेंगे ठीक है ठीक है फिर चक्कर हम करेंगे ऐसा होगा ऐसा ही होगा वो आपके ऊपर करेंगे आप लोग सब हमारी तरफ थोड़ा हमें हेल्प की जरूरत है आप Right now and press the bell icon. Never miss an update.